अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, फिट एंड फाइन और ज़बरदस्त से होंगे। और जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो चांद रात और ईद में भी गुजर चुकी हो। मैं कोशिश तो करूँगी कि सेकेंड डे अपलोड कर सकूँ ये वीडियो, बट चलें देखते हैं कि कब मैं करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत 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 अच्छी जा रही होगी। लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे घर में ही हैं, तो फिर बाहर घर में ही ईद होगी। तो बस मैं इधर चांद रात को मनाहिल को मेहंदी लगा रही थी, जो मुझे कोई टूटी फूटी सी थोड़ी सी मेहंदी लगानी आती है वो मैं मनाहिल को लगा रही थी उसके हाथों पे। और ये कैसे हो सकता है कि मनाहिल मेहंदी लगाए और मोहम्मद ना लगाए मेहंदी। और ये इधर मैं मोहम्मद के हाथ पे ईद मुबारक लिख रही हूँ और बेहद एक्साइटेड होता है मोहम्मद कि मुझे कुछ ना कुछ मेरी हाथ पे मामा ज़रूर लिख दें, ईद मुबारक लिख दें, या फिर कुछ अगर बकरा ईद है तो कुछ उसकी कोई हल्की सी शक्ल बना देती हूँ, कुछ कर ही देती हूँ। लेकिन मोहम्मद को कुछ इस तरह का ज़रूर लिखवाना होता है ईद पे, तो वो भी देखता है कि सारी हाला को, अपनी बहन वगैरह को, सबको देखता है, तो उसको भी होता है कि मैं भी कुछ लगाऊँ, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं दे। तो उसके बाद मारूश को भी लगा दी थी मेहंदी, और इतना मुश्किल से मारूश को मेहंदी लगाई है, इतना मुश्किल काम था कि वो तो एक सेकेंड के लिए रुक नहीं रही थी। और जो लगाई थी उसको भी उसने ख़राब कर दिया था, बट चले फिर भी कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बन ही गया था। ये मारूश की भी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, और जब मैंने इनको मेहंदी लगा दी थी और साथ ही मैंने रख ली थी खीर। क्यों खीर? क्योंकि चाहिए कि सुबह सुबह अच्छा अर्ली इन द मॉर्निंग बन जाए, सारे ईद नमाज़ पढ़ के आएँ तो रेडी हो खीर आगे से, तो इसलिए मैं खीर बना रही थी और आलमोस्ट ये रेडी हो चुकी थी। और इतना टफ ये वाला काम है, अच्छी खासा टाइम लगता है इसको दूध को खुश्क करने में, फिर उसके बाद बनाने में इसको। और मेरा तो बाजू बिल्कुल थक गया था इसको मिक्स कर करके, तो और काफ़ी ज़्यादा बनाई थी क्वांटिटी, तो इसलिए। और उसके अंदर मैंने किशमिश वगैरह ऐड कर दी हैं। मारो जाए बेटे अभी, ये अहमद को भी दे, ये अहमद की दी, ये दी अहमद की, ये बारी, ये पापा को पारी करो, ये गुड गर्ल। और इधर बच्चों का मोस्ट फेवरेट काम ईदी मिलना, इधर सबको ईदी मिल रही है और अहमद मुझसे ईदी ले लेके अपने पापा को दे रहा है, और मैंने खूब बार्गेनिंग करके हस्बैंड से तो ईदी ले ही ली थी, थोड़ी सी कुछ मिल ही गई थी। और मैं अहमद को बता रही थी कि बेटा मामा का राइट होता है, सब बच्चे मामा को ईदी जो है ना जमा करवाते हैं, और वो पापा को दिए जा रहा था। टेस्टी है, अहमद क्या कर रहे हो बेटे? इधर ईदी वगैरह सबको मिल गई थी और सारे बैठ के उसके बाद खीर इंजॉय कर रहे थे। मैंने उनके आने से पहले बिल्कुल बाउल वगैरह रेडी कर दिया था, फ्रीजर में रख दिया था, और ये खीर खा रहे थे सब। मार्क मुझे दो, नीचे मत रोको। और बच्चे सारे इंजॉय कर रहे थे और मैं किचन में आ गई थी, मैं बना रही थी मटन। तो जल्दी से बस फुल आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, बस थोड़ी सी इसके मैंने क्लिप शूट किए थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया था, जस्ट उसके अंदर मटन ऐड कर दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा जस्ट भून के उसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए थे। तो इसको मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट,
और ये जिंजर का गार्लिक का पेस्ट मैंने रमज़ान में पहले ईद से पहले ही बना लिया था, तो इसको अच्छी तरह मैंने बना के एक बॉटल में रख दिया था। तो ये मैं एक टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ और ये मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह और भून लेंगे। और इसके अंदर अभी स्पाइस जा रहे हैं, मैंने कुछ डिब्बे की स्पाइस या कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया, बस ये जो घर के स्पाइस वगैरह होते हैं वो मैंने ऐड करके सिंपली इसी बना ली थी। मटन का ये मैंने बना लिया था सालन, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बहुत अच्छा बना था, टेस्टी, और ये मनाहिल ने शूट किया है वीडियो। तो ये देखें, ये अभी हम बस लंच कर रहे हैं, ईद का लंच हो रहा है, इधर बैठे हुए हैं सब। मैं देती हूँ प्लेट आपको, पास रखती हूँ ये वाली पिंक वाली प्लेट रख दो तुम्हारे पास। और इधर सारी फैमिली बैठ के लंच एंजॉय कर रहे हैं हम सब। और मैंने बना लिए थे फ्राइड राइस, क्योंकि एक दिन ही पहले मैंने इफ्तारी में बनाई थी बिरयानी, तो इसलिए फिर नेक्स्ट डे किसी ने, सब कह रहे थे कि हमें आज बिरयानी नहीं खानी, तो इसलिए मैंने फ्राइड राइस बना लिए थे। तो इधर सारे लंच एंजॉय कर रहे थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी बहुत फैमिली के साथ अच्छी ईद गुजरी होगी। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे बहुत अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान और तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ईद को एंजॉय करें, घर पे रहें और सेफ रहें, अपनी फैमिलीज के साथ इस ईद को सेलिब्रेट करें। और स्पेशली हमें इस ईद के मौका पर जो हमारे गरीब पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। बी हैप्पी, कीप स्माइल।